सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। तो दर्शक मित्रों, आप कैसे हैं? ठीक है, सर्दी आ रही है, शुरू हो गई है, तो आप सब अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना। और आज ये रसाहार माता भगवती प्राकृतिक आहार केंद्र में रसाहार प्रशिक्षण चल रहा है, और उसकी अगली कड़ी में ये हम घृत कुमारी के जूस कैसा निकाला जाता है वो देखेंगे। घृत कुमारी मतलब घृत माने संस्कृत में घी होता है, तो घी कुमारी उसको बोलते हैं, क्योंकि अंदर का जो लसीला सफ़ेद पल्प निकलता है वो घी जैसा लसीला होता है। और घृत कुमारी भी बहुत श्रेष्ठ और उत्तम औषधि ये गुण वाली वनस्पति है। और घृत कुमारी का जूस हम निकालते हैं तो उसको भी पीने के लिए सावधानी यही रखनी है कि उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। उसमें हम थोड़ा पानी भी मिलाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लसीला होता है। कोई कोई तो उसको ऐसा ही खा लेते हैं, जो खा पाते हैं वो ऐसे भी तोड़ के खा सकते हैं, और उसको काट के उसकी सब्जी भी बना सकते हैं बिना पानी की। और अंदर का लसीला जो पल्प है उसको निकाल के आटा में मिला के उसका हलवा भी बना सकते हैं, और उसकी इसके अंदर और सारी चीज़ें डाल के, जैसे छोटी हरड़ का पाउडर है, आंवला पाउडर है, और नमक है, ये सब मिला करके, अजवाइन का पाउडर है, वो सब मिला करके 100-100 ग्राम मात्रा में आप ले लीजिए, और ये पल्प भी 100 ग्राम मात्रा में ले लीजिए। और उसको जैसे आधी पत्ती है उसमें से जितना निकलता है उतना भी चलता है, और जैसे आटा मारते हैं वैसे सब मिला करके उसकी छोटी छोटी गोली बना देते हैं और उसको सुखा लेते हैं। तो पेट के लिए भी ये घृत कुमारी बहुत ही अच्छा है। आपका कब्ज, एसिडिटी, कुपाचन है, पाचन नहीं होता है, तो उसके लिए भी ये बहुत फायदाकारक है। और आर्थराइटिस में, डायबिटीज़ में, कैंसर में घृत कुमारी बहुत ही अक्सर पाया गया है। तो देखते हैं हम इसका कैसे हम जूस बनाते हैं। तो पहले ये जो पत्ती है ऐसी, ये गमला है घर में, ये गमला वाटिका में आप उगा सकते हैं, और उसमें कोई खास ध्यान भी नहीं रखना है, बस गोबर मिट्टी के गमले में डाल दो और ये इसकी गांठ लगा लो, पानी डालेंगे अपने आप उग जाएगा। और ऐसी पत्ती है, इसको हम ले लेते हैं, उसको ऊपर से काट लेते हैं, और जो कांटे हैं उसके उसको निकाल देना है। फिर उसके बीच में से खोल के उसने जो गुदा होता है उसको हम निकालते हैं। कोई तो क्या करता है, ये घृत कुमारी के छिलके धीरे से मतलब निकाल लेते हैं, जैसे हम आलू छीलते हैं, लेकिन ये रीत ज़्यादा सही है, क्योंकि आप दो भाग कर लेंगे उसमें से, और ऐसे घीस के चम्मच से या चाकू से आप उसका अंदर का जो पल्प है, सफ़ेद चिकना लसीला है, उसको निकाल लेना है, और कटोरी में इकट्ठा कर लीजिए। और जैसे 2-3 ग्लास एक पत्ती में से तो बन ही जाता है, और उसको आप मिक्सी में डाल दीजिए, और फिर उसमें पानी डाल करके आप मिक्सी में पीस सकते हैं। और ये जो पत्तियाँ निकलती है उसको भी फेंक नहीं देना है, वो पत्ती सीधी आप मुंह पे घिस सकते हैं, बालों में घिस सकते हैं, बालों के लिए भी अच्छा है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, रक्त शुद्ध करता है और रक्त को बढ़ाता भी है। तो ये एलोवेरा बहुत ही, आप देखेंगे सारी जो बाहर प्रोडक्ट मिलती है फेसियल वगैरह की या ब्यूटी पार्लर की, उसमें एक इंग्रेडिएंट मेन जो होता है वो घृत कुमारी ही होता है। अच्छा दीदी, हमारे दर्शक एक प्रश्न भी पूछना चाह रहे हैं, क्या हर वर्ग के लिए ये लाभकारी, क्या बच्चे से लेकर बूढ़े तक भी इसे सेवन कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये बात तो है कि जब हम कुछ भी लेते हैं तो मन में प्रश्न उठता है,
तो ये आबाल वृद्ध मतलब बच्चों से लेकर के वृद्ध सबके लिए बहुत अच्छा है, और वृद्ध लेंगे तो उसकी एजिंग भी कम होती है और दिखता भी नहीं है, स्किन उनकी ग्लो करती है, और बच्चों के लिए विकास के लिए भी बहुत अच्छा है, और इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ता है मतलब रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ती है। हमारे दर्शकों के मन में एक जिज्ञासा और है कि पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? मतलब पानी, ये अच्छा है आपका प्रश्न, लेकिन पानी हमारे शरीर में भी 70% पानी होता है, तो पानी ज़्यादा कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक गिलास आपको बनाना है तो एक गिलास पानी डाल दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, कम भी हो ज़्यादा भी हो, क्योंकि वैसे कई कई लोग तो हमने देखा है कि ऐसे ही पत्ती काट के खा जाते हैं, तो पानी नहीं भी डालो तो भी कोई नहीं, लेकिन ये लसीला बहुत होता है और पीने में थोड़ा दिक्कत आती है, तो इसीलिए पानी थोड़ा डाले तो अच्छा है। अच्छा, जैसे हमने ये बनाया तो क्या इसको तुरंत पीना पड़ता है कि अगर किसी को 2 घंटा भी अगर रखा रहे तो ख़राब तो नहीं होता है? ना, ख़राब नहीं होता है, और वैसे ताज़ा जो पीते हैं उसका स्वाद भी विशेष होता है और ताज़ा का गुण विशेष ही होता है, लेकिन फिर भी इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं और चाहे तो आप उसको 2-3-4 दिन के लिए यूज़ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा ये है कि उसको हम साल भर के लिए प्रिजर्व भी कर सकते हैं, तो इसके लिए उसमें प्रिजर्वेटिव डालना पड़ता है, लेकिन वो केमिकल है, इसलिए जितना हो सके आप ताज़ा और तुरंत निकाला हुआ पिए तो अच्छा है, और 2-3 दिन फ्रिज में रख के भी पिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साल भर का मतलब जो पुराना उसमें केमिकल डाल के तो उसकी गुणवत्ता की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ भी ना मिले तो इससे अच्छा ही है आजकल, क्योंकि प्रोडक्ट्स मिलती है बाज़ार में और वो वैसे ही मिलती है, उसमें केमिकल डाला हुआ रहता है। तो बहुत अच्छा आपने समाधान किया, बहुत सारे प्रश्न दर्शकों के मन में थे तो आपने बहुत अच्छे से इसको समझाया, तो सभी लाभान्वित होंगे इससे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, धन्यवाद। अब अगले क्रम में हम दूसरा रसा देखेंगे, तब तक के लिए सबको प्रणाम। तो हमारे साथ बने रहिएगा, अगली कड़ी में हम और अच्छे अच्छे आपको जूस बनाना सिखाएंगे, इसलिए आप इसको अभी से अप्लाई भी करते रहिए, कोई शंका समाधान है तो आप हमारे YouTube का जो हमारा चैनल है उसके नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद, प्रणाम।